हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, जब आप हिंदी का पेपर देने जाओ तो सबसे ज़्यादा नंबर का आता है आपका निबंध, है ना। निबंध जो है बहुत ज़रूरी है, कोई भी टॉपिक आपका छूटने न पाए। आज हम निबंध लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए, निबंध सबसे पहले कलेक्ट करो उसकी हेडिंग, है ना। इसके बीच के भाग को तो आप लिख ही ले जाओगे, हेडिंगे आप तैयार कर लीजिए। अब जैसे मान लिया एक निबंध बहुत ज़्यादा आता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर आता, कंप्यूटर का महत्व अथवा आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का महत्व, है ना। तो देखिए, इसमें से आपको सबसे पहले कंप्यूटर के रिलेटेड जितनी हेडिंग है उनको आप इकट्ठा करो, और हेडिंग डाल करके बीच में तो आप लिख ही ले जाओगे। और निबंध कभी भी छूटना नहीं चाहिए, निबंध कम से कम जो है 2.5-3 पेज का तो होना चाहिए, और राइटिंग, और जब हेडिंग अच्छे से लिखोगे तो आपके निबंध में काफ़ी नंबर मिलेंगे। होता ये है कि आप लोग छोटे छोटे नंबर वाले क्वेश्चनों में पड़े रहते हो, और ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, इससे जो है आपके ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। तो कोशिश ये करो कि कोई आपका कोई प्रश्न छूटे ना, पहली बात तो ये है। लेकिन दूसरी बात ये है कि हम जानते हैं कि हिंदी के पेपर में स्पीड की बहुत ज़रूरत है, आपको आएगा सब कुछ, है ना। लेकिन टाइमिंग कम होने के कारण हिंदी का पेपर जो है आधा हो पाता, आधा छूट जाता है, और सारा परसेंटेज आपका नीचे गिर जाता। तो हम परिचर्चा कर रहे थे कंप्यूटर पर निबंध लिखने की। तो देखिए, पहले रूपरेखा डालो, रूपरेखा डालो, फिर इसके बाद नंबर एक प्रस्तावना, प्रस्तावना में कंप्यूटर के विषय में कुछ बताना है आपको, लिखना है, कंप्यूटर का परिचय देना है, है ना, इसके इसको आविष्कारक कौन है, इस तरह से प्रस्तावना में आप लिख दीजिए। एकदम से नहीं, बगैर हेडिंग के निबंध लिखोगे तो आपके आधे ज़्यादा नंबर कट जाते हैं, बगैर हेडिंग के मत लिखो, प्रस्तावना। फिर इसके बाद नंबर दो है कंप्यूटर एक परिचय, प्रस्तावना में भी आपको देना है और कंप्यूटर एक परिचय, इसमें भी आपको कंप्यूटर के विषय में बताना है, लिखना है। हर बच्चा लिख लेता है, लेकिन हेडिंग जो चेक करने वाला होता है वो हेडिंग ज़्यादा देखता है, और आपने हेडिंग नहीं लिखा तो नहीं आएगा। इसके बाद नंबर तीन में डालो कंप्यूटर और उसके विविध प्रयोग, है ना। इसके बाद प्रयोग में, अभी जैसे कंप्यूटर और उसके विविध प्रयोग के अंदर कई हेडिंग आ जाएंगी, है ना, तो उसको समाचार, संचार और सूचना के क्षेत्र में कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, हम वो लिखेंगे। इसके बाद वैज्ञानिक खोज और कंप्यूटर, इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए, है ना, प्रकाशन, व्यापार, उद्योग और कंप्यूटर, उसमें संबंध आपको स्थापित करना है कि प्रकाशन में कंप्यूटर का क्या संबंध है, व्यापार और कंप्यूटर का क्या संबंध है, उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं ना, उसमें से और कंप्यूटर का क्या संबंध, यही चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद नंबर चार में इसमें आएगा कि बैंक कार्य और कंप्यूटर, आप लोग बैंक में गए हो, देखे हो, जगह जगह कंप्यूटर है, तो बैंक कार्य और कंप्यूटर कितनी हेडिंग आपकी बन गई। इसके बाद कला और कंप्यूटर, इसके बाद कंप्यूटर का युद्ध क्षेत्र में महत्व, इसके बाद कंप्यूटर और मानव, इसमें संबंध दिखा दीजिए। इसके बाद आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में डालिए उपसंहार। जब उपसंहार आप लिखोगे तो आपको सारे निबंध का निचोड़ वहां पर आपको लिखना है, है ना। जैसे उपसंहार में लिखो कि आज विश्व में कंप्यूटर यंत्रों द्वारा कार्य करने की ही भरमार है, ऐसे लिख दीजिए। हमारा देश बड़ी तीव्र गति से कंप्यूटर एज की ओर अग्रसर हो रहा है, है ना, आज कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर एज है। लक्षण अधिक शुभ नहीं जान पड़ते, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिनों में हम हर कार्य के लिए कंप्यूटर के ऊपर ही पूर्ण रूप में निर्भर हो जाएंगे, ऐसे उपसंहार लिखो। और हम अपनी बुद्धि, अपने अस्तित्व को भी कंप्यूटर के पास गिरवी रखकर अपने को बुद्धिजीवी कहलाने में गौरव की अनुभूति करेंगे।
यह वैज्ञानिक उपलब्धि अवश्य ही हमारे विकास में सहायक है, परंतु हमें इसे अपना स्वामी बनाकर नहीं, सेवक बनाकर ही अपना अस्तित्व सुरक्षित रखना है। इस तरह से उपसंहार में आप लिख दीजिए। इसके बाद एक हम और परिचर्चा करेंगे, भ्रष्टाचार है ना, देश में चारों ओर जो है भ्रष्टाचार, इसका कैसे निदान किया जाए। तो भ्रष्टाचार समस्या और समाधान अथवा करके भ्रष्टाचार उन्मूलन एक बड़ी समस्या, अथवा अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। तो देखो फिर उसी प्रकार से लिखो रूपरेखा है ना। इसके बाद नंबर एक प्रस्तावना, नंबर दो भ्रष्टाचार की समस्या, नंबर तीन भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप, नंबर चार भ्रष्टाचार की समस्या का हल, और आखिरी में डाल दीजिए उपसंहार। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि आप निबंध को न छोड़ना, निबंध लिखना बहुत जरूरी है आपके पेपर में। अब इसे मान लिया आपने हेडिंग डायरी भ्रष्टाचार की समस्या का हल, इसके अंदर भी कई हेडिंग आपको मिल सकती हैं, जैसे राजनैतिक प्रयास है ना, आर्थिक उपाय, सामाजिक उपाय, धार्मिक उपाय, अन्य उपाय। इस प्रकार से आप हेडिंग वाइज अगर जब निबंध लिखोगे तो आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। कई बार एक निबंध और आता है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अथवा पर्यावरण का महत्व, अथवा पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, अथवा जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता। पर्यावरण का पहले जो है आप इसका रूपरेखा बना लो। नंबर एक प्रस्तावना, नंबर दो प्रदूषण की समस्या, नंबर तीन प्रदूषण के विविध प्रकार, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियो धर्मी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण, उपसंहार है ना। तो इस प्रकार से जब इतनी हेडिंगों में जब इस निबंध को लिखोगे तो चेक करने वाला अट्रैक्टेड होगा। हमें नंबर जो है चेक करने वाले से छीनना है। और कैसे छीनोगे, कुछ ऐसा खास काम करोगे तभी तो नंबर वो देगा। आप जो है जब लापरवाही से लिखोगे तो उसी तरह से आपके नंबर आएंगे। और एक बात बताएं कि हिंदी में अच्छे से मेहनत कर लो तो आपका टोटलिंग बहुत बढ़ जाएगा है ना। उपसंहार आखिर में लिखा जाता है। इसके बाद बच्चों ज्यादातर एक निबंध और पूछा जा सकता है। आग लिखना आपको एक ही है, लेकिन हम आज काफी बिंदुओं पर परिचर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो को बार बार सुनना आप, तो आपको ऐसे भी हेडिंग तैयार हो जाएंगे। बढ़ती जनसंख्या या विकास में बाधक, अथवा जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन का महत्व। अब देखिए इसमें भी पहले लिखो रूपरेखा, फिर इसके बाद नंबर एक प्रस्तावना। प्रस्तावना में अपना जनसंख्या के विषय में थोड़ी टॉपिक आपको 8-10 लाइन लिखना है। इसके बाद नंबर एक प्रस्तावना, फिर इसके बाद नंबर दो वर्तमान स्थिति है ना, फिर इसके बाद आप लोग लिखना यहां पर जनसंख्या वृद्धि के कारण, ये जरूर लिखना। फिर इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, आखिरी फिर वही डाल दीजिए उपसंहार है ना। तो यहाँ पर मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है कभी भी निबंध को ना छोड़ना। निबंध ज़्यादा नंबर का है, और ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है तो ज़्यादा नंबर कट जाते हैं आपके, इसलिए जो है निबंध ना छोड़ना। एक निबंध और आता है दिमाग में बार बार कि महिला आरक्षण की सार्थकता, अथवा आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप। इसमें हेडिंग फिर वही डालो रूपरेखा, पहले हेडिंग सब लिख लीजिए। रूपरेखा, प्रस्तावना है ना, महिला आरक्षण की मांग, स्थानीय निकायों में आरक्षण, सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण, आरक्षण की औचित्य और उपसंहार। नारी सशक्ति पर भी निबंध आ सकता, और वनों की उपयोगिता पर भी निबंध आ सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग कई निबंध तैयार कर लीजिए है ना। अब इसे महिला सशक्तिकरण और समाज, अथवा वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप, तो रूपरेखा में यहाँ ये लिखना, पहले तो प्रस्तावना आएगा कि महिलाओं को जो है ताकतवर बनाना क्यों जरूरी है। नंबर दो सशक्तिकरण का अर्थ, और सशक्तिकरण का अर्थ आप ये लिखना कि सशक्तिकरण का अर्थ है शक्तिशाली बनाना, ताकतवर बनाना, किसको, महिलाओं को है ना। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक
असमानताओं से पैदा हुई समस्याओं के संदर्भ में देखा जा रहा है। इससे जागरूकता, अधिकारों को जानने, सहभागिता और निर्णय लेने के अधिकार जैसे घटक को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद बच्चों महिला सशक्तिकरण अभियान है ना। अब महिला सशक्तिकरण का अभियान का उद्देश्य, ये सब हेडिंग बता रहे हैं आपको, हेडिंग है ना, महिलाओं की संवैधानिक स्थिति, महिला सशक्तिकरण अधिनियम, इसके बाद महिला सशक्तिकरण और समाज, इसके बाद आखिरी डालिए उपसंहार। तो हेडिंग डाल करके आप लोग निबंध लिखो और वीडियो को बार बार देखो, ये हेडिंगें आप तैयार कर लेना। इन्हीं बिंदुओं पर आपके निबंध जो है आएंगे और निबंध लिखना जरूर। धन्यवाद बच्चों।